गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। इसके पहले लास्ट लेक्चर में आपने प्रिपरेशंस के बारे में स्टडी करी थी। हैलो एल्केन दैट्स मीन आर सिंगल बॉन्ड एक्स फाइव तरह से रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये किसी दूसरे रिएक्टेंट से फाइव तरह से रिएक्शन करेंगे। फाइव कैटेगरीज हैं इनके रिएक्शंस की। नंबर ए, पहला टाइप है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, हैलो एल्केन जो है मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। नंबर दूसरा है बी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन करेंगे मींस रिड्यूस होंगे। नंबर सी है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और नंबर डी है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नंबर ई है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये फाइव टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आज के एक सिंगल लेक्चर में तो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम इनमें से कुछ ना कुछ तो कंप्लीट करेंगे। जो बाकी बचेंगी वो सेकेंड लेक्चर में जाएंगी। तो किस तरह से ये मेटल से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, किस तरह से ये रिड्यूस होंगे और क्या बनाएंगे, इसीलिए इसमें भी बहुत सारी रिएक्शन होंगी। रिडक्शन के अंडर में भी बहुत सारी रिएक्शन होंगी। इसी तरह से हर कैटेगरीज में कई तरह की रिएक्शन होंगी। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं ए पॉइंट जो आपका है, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स, अब देखिए मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वही मेटल इससे रिएक्शन करेंगे जो हाईली रिएक्टिव हैं या कोई स्पेशल कंडीशन का यूज करा जाएगा। अगर हम सोडियम की रिएक्शन किसी भी हैलो एल्केन से करें, ये हमारा सोडियम, ये है हैलो एल्केन, ये पहली रिएक्शन अगर हम ले लें इसके अंडर में, रिएक्शन विद सोडियम अगर हम बात करें, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम एयर से भी रिएक्शन कर जाता है, वाटर में तो वो ब्लास्ट कर देता है, अगर जरा सा हीट कर दे तो बहुत ज्यादा वाइग्रस रिएक्शन होगी। सोडियम की अगर रिएक्शन आप करते हैं हैलो एल्केन से, तो हमको ड्राई ईथर का यूज करना पड़ेगा, मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, एयर से भी बचाना पड़ेगा। ड्राई ईथर, ईथर के अंदर पूरी रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब किस तरह से रिएक्शन होगी इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल हैलो एल्केन के लिए जाएंगे, एक मैंने लिखा है और दूसरा हम इस तरह से लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड X, जिससे आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी रहे। और टू मॉलिक्यूल सोडियम के लिए जाएंगे, ये सोडियम के मॉलिक्यूल दोनों हैलाइड को रिप्लेस कर देंगे और टू NaX बन जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये आपका इस तरह से 2NaX बन जाएगा। R सिंगल बॉन्ड R दूसरे वाले R से अटैच हो जाएगा और ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा एल्केन बन जाएगा। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आप कहें हैलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एल्केन की प्रिपरेशन करेगी। क्लास 11 में भी आपने इसको पढ़ा होगा। और इस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, WURTZ। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, जो आपका हैलो, जो हैलो एल्केन लेंगे और जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, एल्केन बनेगा, उसमें इवन नंबर में कार्बन होंगे। इवेन नंबर मीन्स टू कार्बन होंगे, फोर कार्बन होंगे, सिक्स कार्बन होंगे, थ्री कार्बन कभी नहीं होंगे इसमें,
जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस 2 Na और प्लस जो इधर लेंगे वही इधर लेना पड़ेगा, सिमिलर लेना पड़ेगा आपको CH3 CH2 Br, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यू विल गेट एल्केन। क्या बनेगा इसमें से, 2NaBr हट जाएगा, 2NaBr हट जाएगा और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaBr। मैंने आपको बताया जब आप रिएक्शन करेंगे तो इसमें जो एल्केन बनेगा वो इवन नंबर कार्बन कंटेन करेगा, इसमें 4 कार्बन आ गए हैं, नेम होगा इसका ब्यूटेन। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, हमें रिएक्शन ऐसे नहीं दी जाएगी, इतना इजी नहीं होगा। जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अगर आप उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपको तो आपको करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहे हैं, ये लिख दिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे CH3 I और इसकी रिएक्शन हमने ऐसे लिख दी Na और ड्राई ईथर। आगे पूछा जा रहा है A, A क्या होगा, ना इसमें 2 दिया जाएगा ना 2Na दिया जाएगा, और टफ कर दें तो यहां पे सिर्फ वुड्स रिएक्शन लिख देंगे। तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए जो बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन बी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन सी है आपके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ऊपर CH3 नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ऑप्शन डी है ऑल कैन बी पॉसिबल, ऑल कैन बी पॉसिबल। इसका ऑप्शन का आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिख के भेजना है और जो करेक्ट है उसका आपको आंसर भी उसका नेम भी आपको बताना है। अब देखिए मेटल एक तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो गई, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में उसे क्या बोला जाएगा, वुड्स रिएक्शन। अब हम कोई दूसरा मेटल लेते हैं, अगर हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, ये हमारा हेलो एल्केन है RX और हम इसकी मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसमें भी हमको ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। अगर आप ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन में भी डिफिकल्टी होगी। इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, मैग्नीशियम मेटल कंपाउंड में अटैच हो जाएगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना देगा और इस कंपाउंड को आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और उसकी एक स्पेशल वैरायटी है ये RMgX जिसे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, इसे ग्रिग्नार्ड लिखा जाता है लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम ग्रीन यार्ड रीजेंट बोला जाता है, लेकिन अगर हम आपको ग्रीन यार्ड बोलेंगे तो आप ग्रीन यार्ड ही लिख देंगे, इसलिए मैंने ग्रिग्नार्ड ही बोला है और आप इसको ग्रीन यार्ड ही बोलें। आप बुक में भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं, लिखा ग्रिग्नार्ड जाएगा बोला ग्रीन यार्ड जाएगा। अब ये जो ग्रीन यार्ड रीजेंट है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है। याद रखेंगे ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो ये जो कंपाउंड बना
RMGX ये मॉइस्चर से या एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन कर सकता है। इस केस में हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड हाईली प्योर होना चाहिए, मैग्नीशियम मेटल भी हाईली प्योर होना चाहिए। अगर मैग्नीशियम के मेटल के ऊपर मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसमें लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, उस केस में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हाईली प्योर मैग्नीशियम मेटल इन स्मॉल पीसेस, हाईली प्योर एंड ड्राई हेलो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली ग्रिग्नार्ड रीजन कैन बी फॉर्म्ड बिकॉज इट इज वर्सेटाइल एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे आप बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे और जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर हैं सब में इसकी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन पाई जाएगी। एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, दिस इज ब्रोमो एथेन, हमने इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करी। ड्राई ईथर लिखना मत भूलें, क्या बनेगा, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और मैग्नीशियम इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ गया। नेम होगा दिस इज एथाइल, दो कार्बन है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप उसको कंप्लीट करके उसकी रिएक्शन को आंसर में भेजेंगे। दिस इज Br प्लस Mg, इट गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका नेम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, मेटल की रिएक्शंस में थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम मेटल, ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये सोडियम और मैग्नीशियम से कुछ अलग रिएक्शन करता है। ये हमारा RX है, Li लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस इसमें भी लेना जरूरी है और ये X को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, यहां बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Li और प्लस LiX, यानी 2 Li का यूज किया है, हमको यहाँ 2 Li लेना पड़ेगा। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। दो तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड 11 का पार्ट है स्टूडेंट के और पाई बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। और एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, सिग्मा बॉन्डेड तो ये सब सिग्मा बॉन्डेड ही चल रहे हैं, एक कोई एग्जाम्पल आप पाई बॉन्डेड का हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे और अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे वीडियो आपको भेज दूंगा। यहां पे हम जो बन रहा है इसका नाम होगा एल्काइल लिथियम। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस 2 Li इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यू विल गेट CH3 CH2 Li प्लस LiBr, दिस इज एथाइल लिथियम एंड दिस इज लिथियम ब्रोमाइड। ये थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब हम चलते हैं जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन। अगर जिंक मेटल रिएक्शन करता है हेलो एल्केन्स में, उसमें हमें ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है, इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। नंबर 4 रिएक्शन विद जिंक मेटल, जैसे हमने लिया R सिंगल बॉन्ड X प्लस Zn इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर, जिंक की वैलेंसी 2 है
इसके टू मॉलिक्यूल्स को लेना पड़ेगा और ये दोनों H को रिप्लेस कर देगा, R2ZN बनेगा, मीन्स इस तरह से कंपाउंड बना देगा RZNR और प्लस ZNBR2 या ZNX2, यहाँ पे X लिया है हमने X2। अब हम यहाँ पे 2ZN का भी यूज हुआ है तो ये 2 हो गया। इसका नेम होगा डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक। और इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, C2H5Br 2 मॉलिक्यूल के लिए 2ZN लेने पड़ेंगे, इनर डेट मास्फियर लेंगे, यहाँ पे डाई ईथर नहीं लेंगे, बनेगा C2H5 होल ट्वाइस ZN और प्लस ZNBR2। इसका नेम होगा डाई एथाइल जिंक। अब आती है मेटल की लास्ट रिएक्शन। अभी हम मेटल की रिएक्शन पे ही चल रहे हैं और आज इस लेक्चर में सिर्फ मेटल की रिएक्शन पे ही डिस्कस करेंगे। लास्ट रिएक्शन है आपकी लेड मेटल के साथ में। लेड मेटल जो है नॉर्मली रिएक्शन अगर प्योर लेड है तो नहीं करेगा, तो लेड मेटल से रिएक्शन कराने के लिए लेड सोडियम अलॉय का यूज करना पड़ता है, मींस लेड और सोडियम मिला हुआ होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे रिएक्शन विद लेड सोडियम अलॉय, लेड सोडियम अलॉय। रिएक्शन कैसे होगी, R सिंगल बॉन्ड X प्लस PV/NA इसी तरह से लिखा जाएगा, तो हमारा बनेगा R4PB प्लस NAX। यहां पे हम 4 लेंगे, यहां पे भी हम 4 लेंगे, तो ये तो आपका यहां पे देख रहे हैं आपका 4NAX लग गया और साथ में यहाँ पे आपका पीवी लग गए, एक पीवी लग गया, 3NAX बनेगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे 4 हैं और आप देख रहे हो R4PB बन गया, साथ में 4NAX बनेगा और 3PB, पीवी प्योर मेटल निकल आएगा उसमें। इसका नेम होगा टेट्रा एल्काइल लेड, टेट्रा एल्काइल लेड। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, जैसे हमने लिया CH3CH2Br और प्लस 4PbNA, यहां पे हम 4 लेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 whole 4PB और प्लस 4NaBr प्लस 3PB। ये जो कंपाउंड बना इसको शॉर्ट में टेल बोलते हैं, नाम थोड़ा लंबा है ना इसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। टेल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म में टेल लिखेंगे तो इसका पूरा नेम क्या होगा, टेट्रा, बहुत पूछा भी जाता है, टेट्रा एथाइल लेड। इसीलिए मैंने टेल लिख के बता दिया क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेल, हाउ यू विल प्रिपेयर टेल। टेल जो है ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, आपने सुना होगा गाड़ी में इंजन ऑयल में मिलाया जाता है जिससे कि जो व्हीकल होता है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है इससे को मिलाने से कुछ कम हो जाता है। ये थी आपकी 5 रिएक्शंस जो कि मेटल से होती है। मैंने पहली रिएक्शन बताई सोडियम से, वो बहुत स्पेशल रिएक्शन है, उसको वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। फिर मैग्नीशियम से, उसमें ग्रिग्नार्ड डीजन बनेगा। फिर लिथियम से, उसमें हमने डाई एल्काइल लिथियम बनाया। फिर डाई एल्काइल जिंक, जिंक मेटल से। और अब आपकी ये चौथी रिएक्शन है, पांचवी रिएक्शन जिसमें हमने लेड मेटल अलॉय से सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई। स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव CH3CH2CH2I रिएक्ट विथ
react with sodium in presence of ether form form option A heptane, option B isopentane, option C n-hexane, option D isohexane। आपको इसका आंसर देना है, वीडियो को प्रॉपर देखना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। कल आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज कराई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना सफिशिएंट है। गुड बाय।